बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम और आप आज की कक्षा में एक नए अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं, उसका नाम है जाने अनजाने। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता। इस कहानी की आज हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि इस कहानी के अंतर्गत आज हमें सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे। इस कहानी में कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि व्यवस्थित करना यानी सलीके से रखना, टू अरेंज, धंधा, पेशा, रोटी रोजी का जरिया, कामकाज यानी ऑक्यूपेशन, वर्क, चकित यानी हैरान, अचरज में होना, सरप्राइज, दीनता, गरीबी और लाचारी, विवशता, पुअरिटी, सम्मानित, जिसका समाज में सम्मान इज्जत हो, रिस्पेक्टेबल, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, किसी पर आश्रित न होना, सेल्फ डिपेंडेंट, और निर्णय, फैसला, निश्चय यानी डिसीजन। इस प्रकार हम इस कहानी के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम इस कहानी के उद्देश्य के बारे में देखेंगे, यानी इस कहानी में क्या उद्देश्य है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। जैसे कि इस कहानी में उद्देश्य यह है कि देश में बढ़ती गरीबी और भीख मांगने की समस्या को उठाया गया है। इस कहानी में जो है, देश में जिस तरह से हम देखते हैं कि गरीबी है और यहाँ पे कुछ लोग भीख मांगते हैं, उस समस्या को इस कहानी में उठाया गया है और परिश्रम का रास्ता सुझाकर इसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। पाठ में एक समर्थ डॉक्टर जब भी भीख मांगने वालों को देखता है तो उनसे मेहनत करके धन कमाने की बात करता है। भिखारी उसकी बात सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन एक बच्चा उससे भीख मांगता है। वह बच्चा भिखारी नहीं है, पर भीख मांगने के लिए विवश है। वह डॉक्टर की सलाह मानकर परिश्रम करना शुरू कर देता है तो डॉक्टर भी उसे पूरा सहयोग करके आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। यानी इस कहानी में एक बालक को जिस तरह से डॉक्टर कैसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, उसको इस कहानी में दिखाया गया है। और इस कहानी की आज हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ शुरुआत में दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर राजीव गुप्ता की यह कहानी हमारे समाज में व्याप्त भीख मांगने की बुरी आदत पर प्रकाश डालती है। कुछ लोग तो जानबूझकर काम करना नहीं चाहते और भीख के सहारे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसके विपरीत दो चार ऐसे भी लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं किंतु काम न मिलने के कारण पेट की आग बुझाने के लिए भीख का सहारा लेते हैं। हमें भीख मांगने की प्रथा को बंद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर राजीव गुप्ता इस कहानी लिखते हैं, तो इस कहानी में वह यह बताना चाहते हैं कि इस समाज में दो तरह के लोग होते हैं, जो कि वो आदतन भीख मांगते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते अपने जीवन में, कामकाज नहीं करना चाहते, और एक तरह के ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं, अपने मेहनत से करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ काम नहीं मिलता, इसलिए वह भीख को ही अपना काम बना लेते हैं। तो इस कहानी में वह
डॉक्टर राजू गुप्ता इस प्रकार कहते हैं। अब हम कहानी की यहाँ से शुरुआत करेंगे। कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में कोई कंपाउंडर नहीं था। कंपाउंडर ही क्यों, दुकान की सफाई करने वाला भी कोई नहीं था। तब सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। डॉक्टर राजू गुप्ता कहते हैं कि कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में यानी मेरे हॉस्पिटल में कोई कंपाउंडर नहीं था। कंपाउंडर यानी डॉक्टर की जो सहायता करने के लिए होते हैं उन्हें कंपाउंडर कहते हैं। कंपाउंडर नहीं था, कंपाउंडर ही क्यों, दुकान की सफाई करने वाला भी नहीं था। जो उनका हॉस्पिटल था उसकी साफ सफाई करने वाला भी नहीं था। तो नहीं था इसका मतलब यह है कि डॉक्टर हॉस्पिटल की जो साफ सफाई थी वह डॉक्टर खुद करते थे। उसके बाद तब सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। कोई नहीं था इसलिए जो हॉस्पिटल का जो सारा काम था वह सारा काम डॉक्टर राजू गुप्ता ही करते थे। सुबह 8 बजे में मैं क्लिनिक खोलता। डॉक्टर राजू गुप्ता जो है सुबह 8 बजे क्लिनिक यानी अपना हॉस्पिटल खोलते, खुद ही साफ सफाई करता। डॉक्टर जो थे खुद अपने आप ही वह साफ सफाई करते थे। रैक की दवाइयाँ व्यवस्थित करता, गैस का स्टोव जलाकर सुइयाँ आदि उबालता, फिर हाथ धोकर भगवान के आले में दो अगरबत्तियाँ जला देता। क्लिनिक में भीनी भीनी सुगंध भर देती, भीनी भीनी सुगंध भर जाती। फिर मैं कुर्सी पर बैठ जाता, गले में स्टेथोस्कोप डाल लेता। उसके बाद जो डॉक्टर गुप्ता जो हैं अपने हॉस्पिटल की जो सारी साफ सफाई करके वह जो भगवान से प्रार्थना करके और दो अगरबत्तियां लगाकर अपने कुर्सी पर बैठ जाते थे। यहाँ पे हमें यह सोचना है कि एक डॉक्टर होते हुए भी वह अपने जो क्लिनिक है अपना जो हॉस्पिटल है वह खुद से साफ सफाई करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे यह सीखना है कि हम जो हैं एक छात्र हैं एक स्टूडेंट हैं तो हमें भी अपना जो कार्य होता है जो अपना जो काम होता है उसको हमें खुद से करना सीखना चाहिए। घर में जो भी माता पिता जो भी काम बोलते हैं उसको हमें खुद से करना है। इस पाठ से हमें यही सीखना है कि हमें छात्र होते हुए भी एक स्टूडेंट होते हुए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हमें अपना खुद का काम जो है खुद से करना चाहिए। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है। तो हम अगली कक्षा में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। तो आज की कक्षा में जितना पढ़ा गया है उसको आप पढ़ें और जो शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए थे उस शब्दार्थ को भी आप पढ़िए और अपने नोटबुक में लिखिए।